बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी के युद्ध में हिस्सा लेने के फैसले पर उनके नज़दीकियों द्वारा विरोध दर्ज किया गया परंतु गांधी जी का मानना था कि जो अहिंसा के पुजारी हैं उन्हें चाहिए कि वो युद्ध को रोकने का भरसक प्रयत्न करें और यदि ऐसा करना उनकी शक्ति से बाहर हो तो कम से कम युद्ध में हिस्सा अवश्य लें और यथासंभव अपने देश की जिस रूप में भी हो सके सेवा करें तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय छोटा सा सत्याग्रह इस प्रकार धर्म समझकर मैं युद्ध में सम्मिलित तो हुआ पर मेरे नसीब में न सिर्फ उसमें सीधे हाथ मटाना नहीं आया बल्कि ऐसे नाजुक समय में सत्याग्रह करने की नौबत आ गई मैं लिख चुका हूं कि जब हमारे नाम मंजूर हुए और रजिस्टर में दर्ज किए गए तो हमें पूरी कवायद सिखाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया हम सबका ख्याल ये था कि यह अधिकारी युद्ध की तालीम देने भर के लिए हमारे मुखिया थे बाकी सब मामलों में दल का मुखिया मैं था मैं अपने साथियों के प्रति जिम्मेदार था और साथी मेरे प्रति अर्थात हमारा यह ख्याल था कि अधिकारी को सारा काम मेरे द्वारा लेना चाहिए पर जैसे पूत के पांव पालने में नजर आते हैं वैसे ही उस अधिकारी की दृष्टि पहले ही दिन से हमें कुछ और ही मालूम हुई जी बड़े होशियार थे उन्होंने मुझे सावधान किया भाई ध्यान रखिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये सज्जन यहां अपनी जहांगीरी चलाना चाहते हैं हमें उनके हुक्म की जरूरत नहीं है हम उन्हें शिक्षक मानते हैं पर मैं तो देखता हूं कि ये जो नौजवान आए हैं वे मानो हम पर हुक्म चलाने आए हैं ये नौजवान ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी थे और हमें सिखाने के लिए आए थे बड़े अधिकारी ने उन्हें हमारे नायब अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर दिया था मैं भी सौराब जी की कही बात को देख चुका था मैंने सौराब जी को सांत्वना दी और निश्चिंत रहने को कहा पर सौराब जी झट मानने वाले आदमी नहीं थे उन्होंने हंसते हंसते कहा आप तो भोले हैं ये लोग मीठी मीठी बातें करके आपको ठगेंगे और फिर जब आपकी आंख खुलेगी तब आप कहेंगे चलो सत्याग्रह करें फिर आप हमें मुसीबत में डालेंगे मैंने जवाब दिया मेरा साथ करके सिवा मुसीबत के आपने किसी दिन और कुछ भी अनुभव किया है और सत्याग्रह तो ठगे जाने से ही जन्म लेता है इसलिए भले ही ये साहब मुझे ठगे क्या मैंने आपसे हजारों बार ये नहीं कहा है कि अंत में तो ठगने वाला ही ठगा जाता है स्वराब जी खिलखिला कर हंस पड़े अच्छी बात है तो ठगाते रहिए किसी दिन सत्याग्रह में आप भी मरेंगे और अपने पीछे हम जैसों को भी ले डूबेंगे इन शब्दों का स्मरण करते हुए मुझे स्वर्गीय मिस हॉब हाउस के वे शब्द याद आ रहे हैं जो असहयोग आंदोलन के अवसर पर उन्होंने मुझे लिखे थे सत्य के लिए किसी दिन आपको फांसी पर चढ़ना पड़े तो मुझे आश्चर्य न होगा ईश्वर आपको सीधे ही रास्ते पर ले जाए और आपकी रक्षा करे सोराब जी के साथ इन बातों की चर्चा तो उक्त अधिकारी के पदारूढ़ होने के बाद आरंभिक समय में हुई थी आरंभ और अंत के बीच का अंतर कुछ ही दिनों का था किंतु इसी अरसे में मेरी पसलियों में सख्त सूजन आ गई चौदह दिन के उपवास के बाद मेरा शरीर ठीक तौर से संभल नहीं पाया था पर कवायद में मैं पूरी तरह हिस्सा लेने लगा था और प्रायः घर से कवायद की जगह तक पैदल जाता था ये फासला दो मील का तो जरूर था इस कारण से आखिर मुझे खटिया का सेवन करना पड़ा अपनी इस स्थिति में मुझे कैंप में जाना होता था दूसरे लोग वहां रह जाते थे और मैं शाम को वापस घर लौट जाता था यहां सत्याग्रह का प्रसंग खड़ा हो गया अधिकारी ने अपना अधिकार चलाना शुरू किया उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे सब मामलों में हमारे मुखिया हैं अपनी मुख्तारी के दो चार पदार्थ पाठ भी उन्होंने हम तक पहुंचाए लोग इस जहाँगीरी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार न थे उन्होंने कहा हमें सब हुक्म आपके द्वारा ही मिलने चाहिए अभी तो हम लोग शिक्षण शिविर में ही हैं और हर मामले में बेहुदे हुक्म निकलते रहते हैं उन नौजवानों में और हम में अनेक बातों में भेद बढ़ता जा रहा है यह सब सह नहीं है इसकी तुरंत सफाई होनी ही चाहिए नहीं तो हमारा काम चौपट हो जाएगा ये विद्यार्थी और दूसरे लोग जो इस काम में सम्मिलित हुए हैं एक भी बेहुदा हुक्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है आत्मसम्मान की वृद्धि के लिए उठाई हुए काम में अपमान सहन करना पड़े ये नहीं हो सकता मैं अधिकारी के पास गया अपने पास आई हुई सब शिकायतें मैंने उन्हें एक पत्र द्वारा लिखित रूप में देने को कहा और साथ ही अपने अधिकार की बात कही उन्होंने कहा शिकायत आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए शिकायत तो नायब अधिकारियों के द्वारा सीधी मेरे पास आनी चाहिए मैंने जवाब दिया मुझे अधिकार मांगने की लालसा नहीं है सैनिक दृष्टि से तो मैं साधारण सिपाही कहा जाऊंगा पर हमारी टुकड़ी के मुखिया के नाते आपको मुझे उसका प्रतिनिधि मानना चाहिए मैंने अपने पास आई हुई शिकायतें भी बताई नायब अधिकारी हमारी टुकड़ी से पूछे बिना नियुक्त किए गए हैं और उनके विषय में बड़ा असंतोष फैला हुआ है इसलिए वे हटा दिए जाएं और टुकड़ी को अपने नायब अधिकारी चुनने का अधिकार दिया जाए ये बात उनके गले नहीं उतरी उन्होंने मुझे बताया कि इन नायब अधिकारियों को टुकड़ी चुने ये बात ही सैनिक नियम के विरुद्ध है और यदि वे हटा दिए जाए तो आज्ञा पालन का नाम निशान भी न रह जाए हमने सभा की सत्याग्रह सत्याग्रह के गंभीर परिणाम सुनाए लगभग सभी ने की शपथ ली हमारी सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि यदि वर्तमान नायब अधिकारी हटाए ना जाएं और दल को नए अधिकारी पसंद ना करने दिए जाएं, तो हमारी टुकड़ी कवायद में जाना और कैंप में जाना बंद कर देगी मैंने अधिकारी को एक पत्र लिखकर अपना तीव्र असंतोष व्यक्त किया और बताया कि मुझे अधिकार नहीं भोगना है मुझे तो सेवा करनी है और ये काम सांगो पूरा करना है मैंने उन्हें यह भी बतलाया कि बोअर युद्ध में मैंने कोई अधिकार नहीं लिया था फिर भी कर्नल गेलवे और हमारी टुकड़ी के बीच कभी किसी तकरार की नौबत नहीं आई थी और वे अधिकारी मेरी टुकड़ी की इच्छा मेरे द्वारा जानकर ही सारी बातें करते थे अपने पत्र के साथ मैंने हमारी टुकड़ी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की एक नकल भी भेजी अधिकारी पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा उन्हें तो लगा कि हमारी टुकड़ी ने सभा करके प्रस्ताव पास किया यही सैनिक नियम का गंभीर भंग था इसके बाद मैंने भारत मंत्री को एक पत्र लिखकर सारी वस्तु स्थिति बताई और साथ में हमारी सभा का प्रस्ताव भेजा भारत मंत्री ने मुझे जवाब में सूचित किया कि दक्षिण अफ्रीका की स्थिति भिन्न थी यहां तो टुकड़ी के बड़े अधिकारी को नायब अधिकारी चुनने का हक है फिर भी भविष्य में वो अधिकारी आपकी सिफारिशों का ध्यान रखेंगे इसके बाद तो हमारे बीच बहुत पत्र व्यवहार हुआ पर वे सारे कटु अनुभव देकर मैं इस प्रकरण को बढ़ाना नहीं चाहता पर इतना कहे बिना तो रहा नहीं जा सकता कि ये अनुभव वैसे ही थे जैसे रोज हिंदुस्तान में होते रहते हैं अधिकारी ने धमकी से युक्ति से हमें फूट डाली कुछ लोग शपथ ले चुकने के बाद भी कल अथवा बल के वश में हो गए इतने में नेटली अस्पताल में अनसूची संख्या में घायल सिपाही सिपाहियां पहुंचे और उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए हमारी समूची टुकड़ी की आवश्यकता पड़ी अधिकारी जिन्हें खींच पाए थे वे तो नेटली पहुंच गए पर दूसरे नहीं गए ये इंडिया ऑफिस को अच्छा ना लगा मैं तो बिछौने पर पड़ा था पर टुकड़ी के लोगों से मिलता रहता था मिस्टर रॉबर्ट से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी वे मुझसे मिलने आए और बाकी के लोगों को भी भेजने का आग्रह किया उनका सुझाव था कि वे अलग टुकड़ी के रूप में जाएं। नेटली अस्पताल में तो टुकड़ी को वहां के मुखिया के अधीन रहना होगा इसलिए उसकी मानहानि न होगी सरकार को उनके जाने से संतोष होगा और भारी संख्या में आए हुए घायलों की सेवा शुश्रूषा होगी मेरे साथियों को और मुझे ये सलाह पसंद आई और बचे हुए विद्यार्थी भी नेटली गए अकेला मैं ही हाथ मलता हुआ बिछौने पर पड़ा रहा अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय छोटा सा सत्याग्रह वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज